बी टाउन में आए दिन अवार्ड इवेंट्स होते ही रहते हैं। वहीं बॉलीवुड के कई स्टार्स बॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकन अवार्ड्स इवेंट्स में पहुंचे। रेड कार्पेट इवेंट में हीरा मंडे की सारी कास्ट पहुंची। सोनाक्षी सिन्हा से लेकर अदिति राव हाइद्री सब रेड कार्पेट पर शिरकत करते नजर आए। मॉमी टू बी रिचा चड्ढा रेड कलर के प्लाजो सूट में नजर आई, जिसके साथ उन्होंने स्काई ब्लू दुपट्टा लिया था। रिचा के चेहरे पर प्रेगनेंसी का अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। अदिति राव हैदरी तो वैसे ही अपने रॉयल अंदाज के लिए फेमस हैं। अदिति ने फ्लोरल प्रिंट वाला अनारकली सूट पहना था, जिसमें वो चांद के टुकड़ा लग रही थी। आप भी उनके लुक पर एक नजर डालें। संजीदा शेख ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी, जिसमें बॉर्डर पर गोल्डन पट्टी थी। और मनीषा कोइराला व्हाइट कलर के सूट में नजर आईं। सोनाक्षी फ्लोरल ब्लेजर सूट में नजर आईं। आपको किसका लुक और स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। लेकिन टीवी की सेक्सी नागिन तेजस्वी प्रकाश का लुक देखने वाला था। डीप क्लीवरेज लूज शर्ट के साथ तेजस्वी ने शिमरी पैंट्स पहनी थी। तेजस्वी का हॉट लुक तो बी टाउन में तहलका मचा रहा था। आपको उनका लुक कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। उर्वशी ने पर्पल कलर की स्लिट और वन शोल्डर ड्रेस पहनी थी। उर्वशी का मेकअप बहुत ग्लोइंग था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉल हो। टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी ब्लैक कलर की नी लेंथ शॉर्ट ड्रेस में पहुंची। वहीं गौहर खान तो लाल परी बनकर पहुंची। हॉट रेड कलर की ड्रेस में गौहर अच्छी लग रही थी, और गौहर के आगे प्रियंका चहर का ग्लैमर थोड़ा फीका पड़ गया। इवेंट में ईशा गुप्ता जिगजैग प्रिंटेड ड्रेस में नजर आईं, और जरीन खान क्रीम ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक स्कर्ट पहने दिखी। हालांकि दोनों का ही लुक कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया। नेहा धूपिया पिंक कलर की ड्रेस में दिखी, जिसके साथ उन्होंने प्रिंटेड जैकेट वेयर की थी, और मुग्धा गॉडसे मल्टी कलर ड्रेस पहने कूल अंदाज में स्पॉट हुई। फरदीन खान, शालीन बनोट जैसे कई स्टार्स रेड कार्पेट पर शिरकत करते नजर आए। आपको ग्लैमर लुक पसंद आया या हीरा मंडी का ट्रेडिशनल अवतार, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।